नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरी T20 नहीं खेलेंगे विराट कोहली, बीसीसीआई ने दिया ब्रेक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए मामले आए सामने, 325 लोगों ने हारी कोविड से जंग। महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त किए गए रजनीश सेठ। 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी, छाए बादल, ठंड से मिली राहत। विकास शुल्क में 100% वृद्धि को चुनौती, एचसी ने प्रधान सचिव और मनपा से मांगा जवाब। आपले बस हड़ताल से हलाकन रहे लोग, आश्वासन के बाद चल पड़ा पहिया। तंग आकर डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा बेटे से मिलने नहीं देते थे। पेट्रो रसायन परियोजना विदर्भ में लगी गडकरी ने की पहल। प्रवर्तन विभाग ने तनाव के बीच चलाया अभियान, पुलिस की टीम भी रही साथ, कबाड़ियों की दुकानों पर चला बुलडोजर। हवाला व्यापारी केसवानी को 22 तक पीसीआर, जेल से छुड़ाने के नाम पर 30 लाख की फिरौती का मामला। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।